नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह ठाकुर। अभी हम हैं हिंडौन के कटरा मार्केट के सामने से। यहां अभी बरसात हुई है, फिर से ऐसा ही पानी नजर आ रहा है। और ये जितने भी व्यापारी लोग हैं वो देख सकते हो आप कैसे खड़े हैं अपनी दुकानों के पास। सफाई की है इन्होंने सुबह से आके, सफाई के बाद में इनको कितना नुकसान हुआ है उसको देखा है इन लोगों ने। सर बताइए, आप जैसे कितना नुकसान हुआ है, आपकी किस चीज की दुकान है उसके बारे में बताएं आप। व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, ये सब प्रशासन की कमी के कारण। आज से करीब 15 दिन पहले यहाँ पर कलेक्टर साहब आए, नाले पट्टा बाजार में पानी भरा था तब सर कलेक्टर साहब सीधे ही सामने से और शराबे बाजार होते हुए निकल गए। कलेक्टर साहब अगर उसी टाइम अगर इस चीज को चेक जाते तो शायद ही ये नौबत आज नहीं आती। ऐसे में अभी आईजी साहब भी आए हैं, संभागीय आयुक्त भी आए हैं, संभागीय आयुक्त भी आया है, मगर वो सिर्फ कटरा बाजार के अलावा या जैन रोड के अलावा आगे शहर में कहीं भी नहीं गए हैं। शहर का मुआयना उन्होंने कहीं नहीं किया है। वो एक सिर्फ अपने फोटो और वीडियो बनवाने के लिए आते हैं, देख कर चले जाते हैं। न यहाँ कोई दिशा निर्देश, न कोई काम किया है इन लोगों ने। और काम करने के लिए धरातल का उतरना जरूरी है। आज ये कटरा बाजार का यह डैंक रोड है, डैंक रोड का जो पानी भरा हुआ है यह डैंक रोड ही है। ढाकर कोटा देखिए, ज्ञानी पहाड़ा देखिए, कसाई पहाड़ा देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, नहीं कोई राहत सामग्री आ रही है। पानी की समस्या इतनी भयानक है, कल मैंने 3 बार फोन किया है, फिर पानी का टैंकर या पानी की कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। नहीं, राहत कोष के जो नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उन पे आपने फोन वगैरह किए हैं क्या? वो है वो मैडम है या तहसीलदार है, तहसीलदार हाँ हाँ, उनको 3 बार फोन किया है, तब उन्होंने टैंकर अभी तक नहीं भेजा है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सबसे मेन जो सुविधा है पानी, पानी नहीं पीएंगे तो आदमी कहाँ जाएंगे। वैसे ऊपर से ऊपर वाले ने पानी की व्यवस्था कर रखी है, खैर पानी के लिए बच्चों के लिए व्यवस्था करे सरकार, और सरकार की भी नाकामयाबी है। मैं तो ये मानता हूँ वार्ड नंबर 38 की सुविधा ये कि वार्ड नंबर 38 में छाती तक पानी भरा हुआ है, और वार्ड नंबर 38 में कोई भोजन व्यवस्था पहुंच नहीं पा रही है, और लाइट आ नहीं रही है। लाइट तो सुनो इमरजेंसी है इस टाइम ना, लाइट के लिए तो लाइट बंद कर रखी है, और कोई भोजन व्यवस्था पहुंच पा रही है। तो उसमें पतली गली है, उसमें ना भी नहीं पहुंच पा रही है, ना ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच पा रही है, ना कोई भोजन व्यवस्था पहुंच पा रही है। काफी भामाशाह जो खाने की व्यवस्था की है, उनकी तरफ से कुछ खाना आया कि आपको? अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है। वार्ड नंबर 38 में हटिक पारा हिंडौन सिटी नाले के पास, उसमें कोई सुविधा नहीं पहुंची अभी तक। वार्ड नंबर 38 की घटना है ये। आपने फोन वगैरह किए प्रशासन के लिए? किए हमने, लेकिन कोई भी सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई। किसके लिए फोन किया आपने? हमने एसडीएम के लिए फोन किए। अच्छा, दीपक मेंबर हमारा, उसके लिए फोन करे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये किया कि नाव हमारी पहुंच नहीं पा रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली जो डैम रोड तक पहुंच पा रहे, डैम रोड से आगे सुविधा नहीं हो पा रही है। अच्छा, पतली गली है, उनमें ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहा है, ट्रैक्टर भोजन व्यवस्था बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। कम से कम 12-13 परिवार यहाँ से निकल चुके, और परिवार निकलने की सुविधा बना रहे हैं, बिल्कुल उनके बाल बच्चे छोटे छोटे। ये वार्ड नंबर 38 है ना? वार्ड नंबर 38 के जो भाई अपने लोग थे, जिन्होंने अपने जो सिस्टम बताया था, इन्होंने कहा है कि जो उनके लिए कोई सुविधा, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब इसमें जो सरकार ने नंबर दे रखे हैं, सरकार ने नंबर देने के बाद में उनकी कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो इसमें सरकार की कमी नजर आ रही है। जो अधिकारी गण हैं फोन उठाते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं पानी खाना पीना, मगर वो गली गली में नहीं जा सकते। आप देख रहे हो जी न्यूज पोर्टल, और मैं हूं आपके साथ चरण सिंह ठाकुर। और मैं आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।
अभी मैं बरसात में खड़ा हूँ डैम्प रोड के पास में, बरसात हो रही है और बरसात में घुटने घुटने तक पानी हो गया है और पुलिस बेखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रही है और हमारे पत्रकार बंधु काफी नजर आ रहे हैं। और ये जितने भी व्यापारी गण हैं वो अपना वेट कर रहे हैं बरसात कब बंद हो और हमारी दुकानें कब साफ करें। मलबा निकला है जिसको साफ करते करते परेशान हो रहे हैं लेकिन सफाई नहीं हो रही। भैया जी यूनिवर्सिटी में बारिश बड़ी भयावह है, बारिश बड़ी भयावह है, कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए है, हर दुकानदार का नुकसान हुआ है। आज अपन जैसे मोबाइल वालों से बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। जितनी भी अपन आस पास की मोबाइल की दुकान है उनमें आप देख सकते हैं कीचड़ घुस गया है, कीचड़ साफ कर रहे हैं लोग, इतना जम गया और मोबाइल पानी में डूबे, करीब करोड़ों रुपए का नुकसान मोबाइल वालों का हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान। तो भैया बताओ कुछ बजे आए हुए हैं, 7 बजे के आए, 7 बजे आके सफाई करने में लगे हुए हैं और फिर ये बरसात फिर स्टार्ट हो चुकी है, इतनी इतनी मोटी मिट्टी निकली है। अच्छा कारण क्या है पानी? कारण ये है कि जो पानी है भैलापुरा में से होता हुआ इधर आ रहा है बाजार में, नहीं कॉलोनी से होता हुआ सीधा इधर से आ रहा है भैलापुरा होते हुए कटरा बाजार और इधर के एरिया में आ रहा है। भाई साहब हम तो ये कहना चाहेंगे कि नाले कोई तोड़ा जाए, ये जो पुलिया वगैरह तोड़ के पब्लिक को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं ना फालतू का, इसको बंद करके अगर नीतिगत तरीके से काम करा जाए तो उनकी समस्या का समाधान। अब प्रशासन ने पिछली रात बीती रात में कुछ पुलियाएं तोड़ी हैं, उससे पानी की निकासी हो रही है, तो प्रशासन की ये कार्रवाई उचित मानते हैं ना अपन? जब तक नाला तोड़ा नहीं जाएगा, प्रशासन ने तोड़ने का काम चालू किया है तो निश्चित रूप से पानी निकासी शुरू हुई है। निकासी हुई है लेकिन अभी भी कहीं जो निचली बस्ती है उनके अंदर मोटू से ऊपर पानी भरा हुआ है। जैसे कि आज हमारी गुब्बे पाड़े की तरफ बात करते हैं तो पानी का लेवल करीब 6 फीट के लगभग हो गया और तो प्रशासन वहाँ झांकने तक नहीं आएगा क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे, बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी दवा गोली अस्थमा के भी पेशेंट हैं, हर तरीका की परिस्थिति से जूझ रहे, 4 दिन हो गए लाइट का पता नहीं है। नहीं, तुम्हारी दुकान में नुकसान कितना हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप? हमारी दुकान में हो गया 7-8 लाख रुपए का नुकसान। अच्छा हाँ? दुकान नुकसान हुआ है पर सभी दुकानों का दुकान है मोबाइल के नाम से बैंकर वाले हैं और आस पास भारत वाले हैं, इंडिया वाले हैं, इनका बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो मोबाइल की जो दुकान है इनका ये कचरा देख सकते हो आप, कचरा किस तरीके से निकाल रहे हैं ये। इनके जितने भी बिल थे मोबाइल भी काफी भीज गए हैं और हाँ बिलों के साथ इनके हमारे लोगों के घायल हैं जिनमें उधार लिखी हुई थी, बिल थे हमारे सारे डूब गए, सब खराब हो गए, पानी में बह गए, मोबाइलों का तो नुकसान हुआ ही है हमारा, साथ में हमारी फाइल थी बिल थे सब पानी में बह गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पास में आप देख सकते हैं मेडिकल वाले भैया, ये भी बहुत जो ये मेडिकल वाले भाई हैं उनने भी काफी दवाइयां बाहर फेंकी हैं क्योंकि गीली जो दवाई है वो काम नहीं करेंगी और ये नुकसान कर सकती थी। क्या नुकसान हुआ है आपके भैया, कितना नुकसान हुआ है? दीपक कुमार 5 लाख का बता रहे हैं ये भाई कि 5 लाख का जो दवाई है और आप देख सकते हो लाइव तस्वीरों के माध्यम से, मैं दिखाना चाहूंगा जो इन्होंने जो दवाई वगैरह भेज गई है ये वो वेस्टेज में बाहर फेंक दी गई है क्योंकि इनको यदि ये मार्केट में देते तो नुकसान हो सकता था। थुरी दाम, अंदर आओ।
ये जुनेजा मोबाइल पॉइंट है जिसमें कई लाखों का नुकसान हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके क्या क्या नुकसान हुआ है। लाइट नहीं है कि लाइट तो है नहीं इसमें, है ना, लाइट को मार के बंद कर रखी है तीन दिन से। सर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, गंदे पानी से धो रहे हैं दुकान पे, मजबूर हैं व्यापारी लोग, जो मोबाइल के जो विक्रेता हैं मजबूर हैं गंदे पानी को यूज में लेने के लिए। और ये अपने डीएम मोबाइल वाले का तो 7-8 लाख का नुकसान हुआ है, इनको भी आप देख सकते हो बेचारे सुबह से 4 बजे से लगे हुए हैं सफाई के लिए, और पूरा बिल गड्डी वगैरह भेज गई है इन लोगों की। यदि कस्टमर यदि आएंगे तो इनके लिए क्या दिखाएंगे। इन्वेटर खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल क्या मतलब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, सही और इन्वेटर वगैरह खराब भी हो गए इन लोगों के, इन्वेटर काफी डूब गए हैं, बैटरी भी खराब हो गई है, बैटरी तो केबल डे बिल्कुल समझ में आ गया। और हमने ये जैसे फ्रंटियर वाला है अपने भारत वाला है, इनमें सभी मोबाइल की जो दुकानों में नुकसान हुआ है, हर दुकान के अंदर कम से 5 से 7 लाख का नुकसान हुआ है। आप हमारे कार्यालय में आप हमारे घर में